हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स गणित को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज बात करते हैं नए टॉपिक पर, स्पष्ट फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो, इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में। जब किसी समीकरण में एक्स तथा वाई दो चर हैं और इसमें y को x के फलन के रूप में या x को y के फलन के रूप में स्पष्ट पदों में व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे फलन कहलाते हैं स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन यदि y को x के फलन के रूप में स्पष्ट पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके या x को y के रूप में स्पष्ट फलनों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ y cannot be expressed in explicit terms as a function of x in a function, then such functions are called implicit function. तो implicit function को example के द्वारा समझते हैं, आपको easy language में मैं बता देता हूँ। तो एक example के द्वारा हम समझते हैं कि स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन में अंतर क्या है, explicit functions और implicit function में difference क्या है। Equation first आपके सामने दे रखी है, x plus 3y plus y प्लस 5 इक्वल दे रखा है 0। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाता है माइनस एक्स माइनस 5, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। देन y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 3। तो ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं। इसमें क्या हुआ कि y को x की टर्म्स के रूप में हम इजीली लिख सकते हैं या हम x की वैल्यू भी जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड में x और y इस तरह से मिले हुए हैं कि इनको बिल्कुल अलग करना पॉसिबल नहीं है। हम ये चाहें कि y अकेले की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और राइट हैंड साइड में केवल x चला जाए, या लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू आ जाए, राइट हैंड साइड में y चला जाए, तो इसको हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फलन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है स्पष्ट फलन है, तो बिल्कुल इजीली आपके समझ में आ गया होगा। इसमें मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, तो y प्लस एक्स बचता है। अब y इंटू वाई प्लस एक्स हमारे सामने आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं y सिंगल की वैल्यू निकालता हूँ तो ये y नीचे जाता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि y और x को मैं इजीली अलग कर सकूँ। तो ऐसे फलन जो कहलाते हैं वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो एग्जांपल के द्वारा मैंने कोशिश की है कि आपको स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलनों में डिफरेंस का पता लग जाए। आज इस वीडियो में हम अस्पष्ट फलनों के जो है डिफरेंशियल इजी लैंग्वेज में समझते हैं, और ये बिल्कुल आसान है। यदि आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान से समझ में आ जाते हैं तो आप इजी लैंग्वेज में इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आओ समझते हैं क्वेश्चंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो एक्सरसाइज 7.3 फॉर आरबीएससी स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल है साइन y के, और आपको इसमें फाइंड करना है dy बाई dx। देन हम इसका लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 3, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई dx, और sin y का आपके सामने आ जाएगा cos y, लेकिन y का हमें बताना पड़ेगा dy बाई dx। तो ये एक्सरसाइज समझने के लिए मैं कुछ कंसेप्ट आपको तैयार करवाता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कुछ सिस्टम में कर दिया। देखो, आप देखें d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है आपके सामने आ जाएगा 2x। आप जानते हो, आपने इसमें फॉलो किया है x टू द पावर n का फॉर्मूला। ओके, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का जब आप करोगे ये भी हो जाएगा 2y, लेकिन y एक वेरिएबल टर्म्स है जो डिपेंड है किस पे, x पे। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है y और x दोनों ही चराशी है, x चराशी है तो y जो है उसकी आश्रित चर कहलाती है। तो x चर है तो y आश्रित चर है, तो ये हो जाएगा y का हमको बताना पड़ेगा dy बाई dx। इसी तरह से जैसे मान लो, सपोज करो cos x का होता है माइनस का sin x, बट x के रेस्पेक्ट में यदि मैं cos y का करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे सामने माइनस का sin y, और y का हो जाएगा dy बाई dx। तो देखो, आप कंपैरिजन समझे, देखो इन दोनों में कंपैरिजन समझे आप, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है आपको।
एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिवाइड बाई dx। इसी तरह से cos x का माइनस साइन x है, तो cos y का क्या हो जाएगा आपके सामने, माइनस का साइन y, और y का आपको बताना पड़ेगा डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है देखो साइन x का डेरिवेटिव जो आप करोगे, साइन x का डेरिवेटिव आपके सामने आ जाएगा cos x, बट साइन y का आप जब करते हो तो आ जाएगा cos y, और y का आ जाएगा dy by dx। ओके, तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को समझे। ये जो लैंग्वेज मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि ये आपको समझ में आ गई तो डिफरेंशियल तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा, आप इजीली जो है dy by dx किसी भी क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमको फाइंड करना है dy by dx, तो मैं फोकस करता हूँ dy by dx पे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास रहेगा 2, यह जगह cos y dy by dx माइनस 3 dy by dx, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे cos y माइनस 3 dy by dx कॉमन आ जाएगा, तो इस इक्वेशन से हमारे पास dy by dx की वैल्यू आती है 2 अपॉन cos y माइनस 3, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बॉक्स में मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 200 दे रखा है, तो फाइंड करना है डीवाई बाई डी एक्स। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, और इसमें काम आने वाले जो भी फॉर्मूले हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ओके, इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, बट y अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है, तो dy by dx से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो आंसर आएगा 2y dy by dx। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है x इंटू वाई का डेरिवेटिव हम x के रेस्पेक्ट में कैसे करें, तो इसमें हम यूज़ करेंगे u इंटू वी मेथड। फर्स्ट एज इट इज x, एज इट इज y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, फिर y एज इट इज x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 x के रेस्पेक्ट में, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई है x के रेस्पेक्ट में। तो ये तीनों डिफरेंशियल मैंने आपको इजी वे में बता दिए हैं, और ये जो तीनों बॉक्स की जो वैल्यू है ये हम इसमें यूज लेते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ पर x एज इट इज y का dy by dx प्लस y एज इट इज x का 1, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से आपको बता दिया है। यदि आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो आप ये बॉक्स जो मैंने यहाँ पर बताया उसको अच्छे से समझ लें, प्लस बीच में प्लस है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy by dx, और आप जानते हो 200 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, वो नियत होती है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं dy by dx पे, ये दो वैल्यू dy by dx की है, ये हम एक साथ ले लेते हैं, x dy by dx प्लस 2y dy by dx, और ये दोनों वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाएंगी तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस y, बिकॉज 2x भी माइनस का, y भी माइनस का, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 2y दोनों में से मैंने dy by dx कॉमन ले लिया है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई, सो dy by dx की जो वैल्यू आती है ये आती है माइनस का 2x अपॉन माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ। तीन स्टेप, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x y का डेरिवेटिव और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको अच्छे समझ में आ गया, फिर हम फोकस किस पर करेंगे, dy by dx पे करेंगे। तो इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल दे रखा है रूट ए के, इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखें यहाँ पर हम रूट एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं 1/2 रूट एक्स आता है, इसी तरह से जब रूट वाई का
जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वन अपॉन टू रूट वाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब हम रूट ए का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ जाएगा ज़ीरो, बिकॉज ए यहाँ पर डिनोट करता है कॉन्स्टेंट वैल्यू को। ये बॉक्स में लिखी हुई वैल्यू यदि हमारे समझ में आ जाए तो हम इजिली कर सकते हैं, तो वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा जीरो के, वन अपॉन टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स। और हम देखते हैं यहाँ पर टू से टू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे सामने आती है माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स या माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स या माइनस का वाई अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू। ये तीनों के तीनों जो है इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई इक्वल दे रखा है फोर के। तो इस क्वेश्चन में ताम आने वाले जो फॉर्मूले हैं उसको मैं लिख देता हूँ। टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके, और एक्स प्लस वाई का बिल्कुल सिंपल है, एक्स प्लस वाई का हो जाएगा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से एक्स माइनस वाई का आपके सामने आ जाएगा वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये तीन फॉर्मूले जो हैं इस क्वेश्चन में काम आएंगे। देन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर x प्लस वाई का हमको और करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेन एक्स का तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, और x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। फिर बीच में है प्लस, इसके साथ टेन एक्स माइनस वाई का हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, x का 1 और y का dy वाई बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट वैल्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब हमें फोकस करना है डी वाई बाई डी एक्स पे, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स एक ब्रैकेट के अंदर है, बाहर एक वैल्यू है, तो इसको सोल्व करने के लिए बाहर जो वैल्यू देखिए उसको ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट के हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर बीच में प्लस का साइन है, यह जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा जीरो के। यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस वाई को वन से और sec स्क्वायर x माइनस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं फोकस करता हूँ ओनली डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स पे, ये दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में जब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जाती हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस एक साथ कॉमन ले लेता हूँ। यह जगह सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ओके, ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इनमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई। डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम देखते हैं डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। सो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आपके सामने आती है वो आती है sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर, देखिए इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देन dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने आती है माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई। आप इजीली लिख सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई, ओके।
इस तरह से ये जो है आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आता है। आप इस माइनस को हटा सकते हो, तो आपको इसमें से जो डेनोमिनेटर वैल्यू है इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन sec स्क्वायर x माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो है इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।